नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तरीका 24 में। कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे। यदि आपने बिहार से चक्रवर्ती के लिए अप्लाई कर दिया है और आप किसी कारणवश सीटेट क्वालिफाई नहीं है और जो जुलाई में एग्जाम होने वाला जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसके लिए यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका सीटेट एग्जाम जो है सीटेट के साथ साथ आपका जो बिहार पीसीएस बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम है वो भी क्लियर हो जाए, इसमें हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप एक टाइम डिसाइड करिए जिसमें आप सीटेट भी पढ़ सकें और सीटेट पे दो सब्जेक्ट पे आप अपने पकड़ बनाइए जिससे कि आप वो जो है उसमें स्कोर कर सके बेहतर। मान लीजिए आपने दो सब्जेक्ट में पकड़ बना लिया, उसमें आपने 25 कर लिया, मान लीजिए आपने दो सब्जेक्ट में 50 कर लिया, उसके बाद बचता आपका तीन सब्जेक्ट में आपने यदि 20 कर लिया फिर भी आपका 110 प्लस हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। आप एक टाइम डिसाइड करिए जिसमें आप 2 से 3 घंटा सीटेट को दें। यदि आप 2 से 3 घंटा अभी से देंगे और उसको जितने भी प्रीवियस ईयर उसके पेपर हैं और उसको प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो है सीटेट क्लियर कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो बिहार शिक्षक भर्ती में पेपर वन का पार्ट वन है उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, उसमें से जो आपका वो हिंदी है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और जो इंग्लिश है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इंग्लिश को फोकस नहीं करते हैं और इंग्लिश आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आप जो है केवल प्योर हिंदी पर फोकस करिए, क्योंकि जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 30% लाना ही कंपलसरी है। तो आपने यदि 75 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं तो आप वहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये रही आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिए और तैयारी में जुट जाइए, टाइम कम है जिससे कि आप सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम दोनों क्लियर हो सके। धन्यवाद।